Games. Mind Games. 240 hours. A social human experiment. अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम वकार जका है और ये है माउंटेन ड्यू लिविंग ऑन द एज रिव्यू। माउंटेन ड्यू लिविंग ऑन द एज का फाइनल होने के बाद फेसबुक पे यहां वहां बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्शियल बातें की गई हैं। कोई ये कहता है कि ये चीज सही नहीं थी, कोई कहता है वो चीज सही नहीं थी। इन तमाम चीजों को हल करने के लिए, इनका जवाब देने के लिए मैं उन लोगों के साथ मौजूद हूँ जिन्होंने फेसबुक पर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया और जो इस फाइनल में शुरू में ही एलिमिनेट हो गए थे, जिनमें से मेरे लेफ्ट हैंड पे बैठे मूसा और साद। मूसा और साद का ये कहना था कि जी हमारा चांस आपने बिल्कुल ख़त्म कर दिया, बिल्कुल सही नहीं हुआ, तो पूरा पूरा मौका मिलेगा इनको बोलने का आज। इसके अलावा नौशीन है मेरे साथ, पहले दिन से कॉन्ट्रोवर्शियल हर तरह से रही हैं ये, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत सारे राज हैं जो आज के एपिसोड में क्लियर हो जाएंगे। पहली चीज तो ये कि लाइक मारिया की पहले बाजू का जो मुझे सीन बिल्कुल समझ नहीं आया थे, तो वो बाद में क्या हुआ, मतलब इट डिडंट, आपने उधर मेंशन ही नहीं किया। पहले शुरू करेंगे मूसा से। हमेशा से तुम्हारे लिए बड़ी भाई डिमांड रही है कि मूसा मूसा मूसा, लेकिन वकार्स जन में जब आए तो वहाँ आके शुरू में निकल गए। ओवरऑल फाइनल तक यहाँ वहाँ क्या चीज़ बुरी लगी, बड़ी गालियाँ वालियाँ भी तुमने पीछे दी, सही नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो मैं चाहता हूँ जो बात है वो यहाँ करो। मुझे फाइनल में सिर्फ एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा बुरी लगी, मैंने बोला भी। फाइनल से पहले मैं चाहूँगा वकार्स जन में तुम्हें क्या चीज़ एक दो दिन रहने में क्या चीज़ बुरी लगी या अनफेयर लगी? वकार्स जन में फेवर जो है ना बहुत चल रहा था, जैसे आपके फेवरेट कॉन्टेस्टेंट ये सीन था वहाँ पे, ऐसे पता नहीं लेकिन सुनने में बहुत आया था कि वकार के कुछ फेवरेट कंटेस्टेंट जैसे है। मैं नाम लूंगा वहाँ पे शानी और मारिया। अच्छा, शानी और मारिया ये था सबको कि इसके वकार के फेवरेट कंटेस्टेंट हैं। मेरी एलिमिनेशन वाले दिन छः बंदों ने मुझे एलिमिनेट किया, वहाँ मैं एग्री था कि चलो यार छः ने एलिमिनेट किया है, अपनी मर्जी से किया है, क्योंकि वो जीते मैं हार हूँ, सही है मान लिया। लेकिन उसके बाद डैन जो भी हो रहा सही रहा, ठीक है, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइनल में आके पब्लिक वोटिंग नहीं होनी चाहिए थी यहाँ पे, ये एक रियलिटी शो है, यहाँ पे कॉन्टेस्टेंट एक दूसरे को वोट आउट कर देते हैं, पब्लिक वोटिंग। लेकिन शुरू से एंड तक जब सारे कॉन्टेस्टेंट ही एक दूसरे को वोट आउट कर रहे हैं, तो अब फाइनल में आके यहाँ पे क्या जरूरत थी? कराची वालों को चांस भी नहीं मिला, जब मूसा आउट हुआ था तो मूसा को कोई चांस नहीं दिया गया दूसरा के लिए, तो मैं नौशीन को सबसे ज्यादा प्रेफर करूंगा। मुझे चीज लगी थी जो बाद में क्रिएट की गई कि वो जो सरदार जी हैं वो किरण को कुछ पसंद करते हैं ऐसा, लेकिन ओवरऑल हम डैन में थे तो हमने चीज़ नोटिस की कि ऐसा कुछ सीन नहीं था, लेकिन आखिर डे में हमें पता गया कि भाई सरदार जी और किरण का ऐसा सीन है, तो ऐसा कुछ था। अच्छा, वकार डैन में कुछ नहीं था ऐसा? नहीं, उनका ऐसा कुछ नहीं था, सरदार जी सबके साथ इक्वल थे, निमरा के साथ हमारे साथ सबके साथ इक्वल थे, लेकिन आखिर में ये बताया गया कि भाई किरण और उनका सीन है, तो ऐसा कोई ऐसी बात नहीं, किरण ने भी कोई ऐसी बात नहीं की थी उनसे, वकार डैन तक कोई बात नहीं की उसकी वजह से। मुझे बाद में ये फील हुआ था कि जो हरकत उन्होंने फाइनल में की वो देखने के बाद ये लग रहा था कि यार नहीं, वो हर किसी के साथ ऐसे, शायद उधर कोई और लड़की होती तो वो उसके लिए भी ऐसे ही करते, उनका काफी दिल जो है ऐसा है कि वो मान जाते हैं हर किसी के लिए इजीली। साथ आप क्या समझते? कन्वेंस ज्यादा नहीं करना पड़ता, सरदार ने जो शुरू से बेवकूफियां की हैं उसके अंदर कोई भी होता वो करे आता आराम से। मेरे ख्याल में वो शो के लिए था नहीं, वे यहां पे दूसरे की नहीं अपनी चलानी चाहिए, अगर वो दूसरे की सुनेगा तो फिर डेयर में क्यों आ रहे हो यार, बैक आउट कर लो, दूसरे को चांस दो। मैं देख रहा हूँ कि नहीं ऐसा सीन था, पहले हमने ही देखा था कि पहले, क्योंकि बताया गया कि मारिया की पहले एंगेजमेंट हुई भी है, लेकिन मारिया की एंगेजमेंट हुई भी है, हाँ यही उसने हमको सबको बताया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर पता चला ग्रेजुअली कि वो शानी की बहन बनी हुई थी, फिर आहिस्ता ग्रैंड फिनाले का पता चला कि उनका कुछ और सीन है, तो ये हमें पता बाद में चला कि ये शानी और मारिया का। अच्छा, वकार्स डेन में वो कौन सी ऐसी चीज थी जो तुम्हें बुरी लगी या अच्छी लगी, कोई एक बात पहले साथ से या मूसा साथ से शुरू कर लेते। इस दफ़ा का जो आपने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई मनी टिकर, हर घंटे के हिसाब से पैसे कट रहे हैं, यहाँ पर जितने लोग आए हुए थे मैं नहीं समझता कि उसके अंदर कोई भी ऐसा नीडी था जिसको पैसे की इतनी ज़रूरत पड़ी थी, वो यहाँ पर आके वहाँ तो बड़ी कहानियाँ सुनाई थी तुमने, वो मनी टिकर चलने से पहले जो कहानी तुमने सुनाई थी ज़रा वो देख लेते हैं पहले। मेडिकल ट्रीटमेंट्स इस कदर एक्सपेंसिव हैं कि उसको हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तीन तीन चार चार हफ्ते गुजर जाते हैं उनके पास, वही तक के पैसे नहीं होते उनके, हमारी बस। ये फुटेज बहुत लंबी है आपकी, लेकिन मैंने इतना दिखाया कि इतना रोध होके आपने वहां मचाया था,
मुझे बाद में कुछ किसी ने बताया झूठी स्टोरी थी, झूठी है सच्ची, अब सच बता दो।